हेलो फ्रेंड्स, ये लाइट बैंड है, रेजिस्टेंस बैंड। ये आप कहीं भी किधर भी वर्कआउट कर सकते हैं इससे, घर में, होटल में, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी। तो मैं आपको पूरे बॉडी पार्ट की वर्कआउट बताऊंगा। हम टॉप टू बॉटम चलेंगे। टॉप में आएंगे शोल्डर। शोल्डर प्रेस आपको करने के लिए इसको यहाँ पे प्रेस कर के रखना है लेग्स के बीच में, और इसको बाहर की तरफ रख के फ्रंट शोल्डर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहीं से आपको फ्रंट रेज कर सकते हो। देखिए, ये आपके फ्रंट डेल्ट्स को हिट कर रहा है। थर्ड, अपराइट रो ले सकते हैं यहाँ से करके, ग्रिप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। और तीन एक्सरसाइज बताई, इसमें आप लेटरल रेज भी ले सकते हैं। ये शोल्डर की होगी। इसमें सग्स, आप ट्रेपीजियस को हिट करने के लिए, जो बैक में भी काफ़ी लोग करते हैं, तो सग्स करने के लिए ये आपके ट्रेपीजियस मसल्स को हिट करती है, ठीक है। शोल्डर के बाद नंबर आता है चेस्ट का। इसको कहीं भी आप ग्रिल पे, दरवाजे में, कहीं भी आप इसको टाई कर दीजिए। टाई करने के बाद सिंगल हैंड डंबल प्रेस करते हैं, उसका एक ऑल्टरनेटिव ये है स्टैंडिंग, ठीक है। दूसरे हाथ से कर लिया। फिर इसी में बेंच प्रेस का ऑल्टरनेटिव, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली कहानी है, वो नहीं है तो ये है कम से कम, बट इससे भी बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता है, ठीक है। चेस्ट की ये काफ़ी एक्सरसाइजेज मैंने बता दी, तीन। अब नंबर आता है बाइसेप्स का। यहाँ पे ही टाई करके आप इस ग्रिप को लेंगे और बाइसेप्स कर्ल कर सकते हैं। ये डबल हैंड, और फिर सिंगल हैंड भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर ट्राइसेप्स के लिए आप उल्टा हो जाएं और यहाँ से पकड़ के ट्राइसेप्स एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपकी ट्राइसेप्स मसल्स को हिट करेगा। इसमें भी सिंगल हैंड से भी कर सकते हैं, डबल हैंड से भी कर सकते हैं, इससे किक बैक भी कर सकते हैं। ये आपकी इस मसल्स को हिट करेगा, ठीक है। फिर नंबर आ जाता है बैक का। बैक के लिए आप इसको यहाँ पे भी टाई कर सकते हो, या लोअर डाउन पे भी टाई कर सकते हो। मैं अपर ही करूँगा, अप करके ये रो, ठीक है। नीचे बैठ के भी कर सकते हो आप इसको, यहाँ पे बांध के, तो ऑलमोस्ट हमने अपर बॉडी कवर कर दी। अब बारी आती है लेग्स की। लेग्स के लिए आपको कॉमन, सबसे ज़रूरी, स्क्वैट्स। स्क्वैट्स के लिए आपको यहाँ पे पैरों के बीच में दबा देना है और कंधों के ऊपर रख के बाहर की साइड इसको रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। घटाने के लिए तो लूज छोड़ दो, बढ़ाने के लिए आगे कर लो, फिर स्क्वैट्स लगाना है, ठीक है। स्क्वैट्स की कोई भी पोजिशन, नैरो स्क्वैट्स, वाइड स्क्वैट्स, सुमो स्क्वैट्स। सुमो स्क्वैट्स के लिए आपको इसको डबल कर लेना है और दबाना है, और ठीक है। नेक्स्ट हैमस्ट्रिंग के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए आपको नीचे टाई कर देना है इसको, और एंकल में फंसा लेना है। फंसाने के बाद तो इससे काफ़ी एक्सरसाइजेज हो जाती है। मैं मेजर मसल्स के लिए करा रहा हूँ, एबडक्टर एडक्टर, यहाँ से बाहर की तरफ और यहाँ से अंदर की तरफ। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारे वर्कआउट्स किए इससे, इस बैंड से। और इसको पाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।